नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की ओर से मंगलवार पर जीवन की तलाश में भेजा गया रोवर परसिवेरेंस दक्षिण पश्चिम तुर्की स्थित एक झील से प्राप्त डाटा का उपयोग कर रहा है। नासा के मुताबिक सालदा नामक झील में मिलने वाले खनिज और चट्टाने बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मंगल के जेजेरो क्रेटर में है। 18-19 फरवरी की दरमियानी रात परसिवेरेंस ने मंगल की सबसे खतरनाक सतह जेजेरो क्रेटर पर लैंडिंग की थी। ऐसा माना जाता है कि यहां पर पहले नदी बहती थी। सालदा झील से एकत्र की गई जानकारियों से वैज्ञानिकों को मदद मिल सकती है क्योंकि वे लाल ग्रह की तलछट में संरक्षित सूक्ष्म जीवन की खोज में जुटे हैं। उनका मानना है कि डेल्टा रहने के दौरान ये आसपास एकत्र हो गए हैं। नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर साइंस थॉमस जुर्बो चेन ने बताया कि एक शक्तिशाली एनालॉग के तौर पर हम सालदा की मदद ले सकते हैं। अमेरिका और तुर्की के ग्रह वैज्ञानिकों की एक टीम ने वर्ष 2019 में झील के किनारों का शोध किया था जिसके बाद इस तुर्की के मालदीव की संज्ञा दी गई थी क्योंकि न केवल इसका पानी नीला है बल्कि इसके किनारे सफेद रेत से पटे पड़े हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि माइक्रोब्स की मदद से बनने वाले झील के चारों की ओर तलछट बड़े बड़े टीलों के चलते मिट गई है। रोवर की कार्यप्रणाली पर नजर रखने वाली वैज्ञानिकों की टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है क्या जेजेरो क्रेटर सूक्ष्म जीवन है। वैज्ञानिक कार्बोनेट खनिज के साथ सालदा झील के तट पर मिलने वाली तलछट के साथ इसकी तुलना भी करेंगे। थॉमस जुर्वेचर ने कहा कि अगर हमें जीवन संबंधित कोई भी संकेत मिलते हैं तो हम दोबारा सालदा झील जाएंगे और समानता व अंतर का अध्ययन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।